बच्चों, मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया, एलिफेंटियासिस, दीज आर सम ऑफ द डिजीजेस दैट आर स्प्रेड बाय मॉस्क्यूटोज। मच्छर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एंड स्प्रेडिंग मेनी डिजीजेस। मच्छर तो बहुत सारी बीमारियों को भाई फैलाते हैं। आज उनमें से एक यानी कि डेंगी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जैसा कि आपने मलेरिया में पढ़ा था, कैसा पढ़ा था कि मलेरिया जो है बेटा, दैट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय अ पैरासाइट प्लाज्मोडियम। आप ध्यान करो, थोड़ा सा याद करो बेटा, तो आपको याद आएगा कि हमने पढ़ा था कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इस चार तरह के प्लाज्मोडियम जो कि एक तरह का पैरासाइट है, इनकी वजह से होता है। तो उसमें मच्छर कहाँ से दोषी हो गए? मच्छर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग दीज पैरासाइट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इनटू द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन। बेटा, ये जो मलेरिया के पैरासाइट्स है ना, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, उसको इन्फेक्टेड पर्सन से यानी कि मलेरिया के पेशेंट से नॉर्मल पर्सन के बॉडी में, हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर करने का काम ये मच्छर लोग किया करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मच्छर मलेरिया को फैलाते हैं। लेकिन होता ये एक्चुअली किसकी वजह से है? पैरासाइट्स की वजह से। कौन सा पैरासाइट? तो प्लाज्मोडियम। बेटा, ठीक उसी तरह से डेंगी में भी होता है। डेंगी इज एक्चुअली कॉज्ड बाय अ वायरस। डेंगी जो है बेटा, ये एक वायरस की वजह से होता है। लेकिन इस वायरस को स्प्रेड कौन करता है? मच्छर महाराज। ठीक है, चलिए, तो इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है, क्या लक्षण दिखेंगे, बॉडी में क्या चेंजेस दिखेंगे, जिससे कि हम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि द पर्सन माइट बी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ऑफ डेंगी। तो भाई, इसके सिम्टम्स में आता है सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, अचानक से बहुत तेज बुखार का आना। ठीक है, उसके साथ बेटा हेडेक। हेडेक होता है, स्पेशली आंखों के पीछे में बहुत दर्द महसूस होता है। ठीक है, ये भी एक टिपिकल सिम्टम है, जैसे अब थोड़ा पता किया जा सकता है, अच्छा आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, सीवियर हेडेक, हो सकता है डेंगी है। ठीक है, वोमिटिंग होना और मांसपेशियों में, मसल्स में, जॉइंट्स में दर्द होना। जॉइंट समझते हो ना, जहां पर दो बोन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बेटा, उस प्लेस को हम लोग जॉइंट कहते हैं। जैसे ये एक जॉइंट है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी देखिए, ये और ये बोन जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक बेटा जॉइंट है। ठीक है, तो जॉइंट्स में, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से डेंगी इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। इतना दर्द होता है, लगता है किसी ने हड्डियां तोड़ दी हो। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ब्रेक बोन फीवर भी रखा है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज स्टार्ट टू शो 3 to 14 days आफ्टर इन्फेक्शन। आपके बॉडी में, ठीक है, डेंगी का पैरासाइट आया, इन्फेक्शन हुआ, उसके 3 से 14 दिनों के अंदर अंदर बेटा डेंगी के लक्षण जो है, ये सारे, बुखार आना, मसल्स में, जॉइंट्स में पेन होना, फीवर होना, हेडेक होना, ठीक है, ये सारी चीजें दिखाई देने पड़ जाती हैं। एक और बहुत ही टिपिकल सिम्टम है डेंगी का, वो है बेटा अपियरेंस और अकरेंस ऑफ स्किन रैश। बेटा, बॉडी में इस तरह से लाल 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 दाने हो जाते हैं डेंगी में। ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम होता है। अब देखिए बेटा, आपको बताया है आगे कि डेंगी हैज बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, उसके बाद से ये डेंगी जो है लगभग लगभग दुनिया के हर कोने में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बेटा 120 कंट्रीज से भी ज्यादा जगहों पर डेंगी पाया गया है। ठीक है, ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ अमेरिका में इसके केसेस मिलते हैं। समझ के वीडियो।